चलो यार, आज काफी दिनों बाद मैं माइनक्राफ्ट को डाउनलोड करने वाला हूँ। देखता हूँ आखिर गेम में चल क्या रहा है, मैं तो बहुत दिनों से गेम ही नहीं खेला। ओके, ये आ चुका है, अभी इस पे क्लिक करता हूँ। वेट, व्हाट, फ्री? अबे माइनक्राफ्ट फ्री कब से हो गया? मैं तो भूल ही गया था, प्ले स्टोर पे तो माइनक्राफ्ट 650 रुपए का था। भाई फ्री हो गया, अब मुझे क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड करने की कोई जरूरत ही नहीं है यार। ये तो बहुत अच्छा किया माइनक्राफ्ट वाले ने। चलो मैं जल्दी से गेम डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे सीधे गेम में। ओके, सो यहाँ पे मेरा गेम तो स्टार्ट हो चुका है, बट पता नहीं है माइनक्राफ्ट के नीचे भाई एलन मस्क क्यों लेके आ रहा है। कहीं एलन मस्क ने माइनक्राफ्ट तो नहीं खरीद लिया? भाई ये कब हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। बट चलो, हमें क्या है, गेम मेरा स्टार्ट हो चुका है। और वेट, ये क्या है भाई, बाय माइनक्राफ्ट यू हैव टू बाय द गेम बिफोर प्लेइंग। लेकिन मैं प्ले स्टोर से तो फ्री का डाउनलोड करके आया हूँ भाई, अब मुझे गेम के अंदर ही गेम को खरीदना पड़ेगा। अरे भाई ये क्या हो गया, अब तो मैं क्रैक्ड वर्जन से भी नहीं खेल सकता, और वो भी $650 का है यार। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, मुझे गेम तो खेलना ही है। चलो एक काम करता हूँ, मैं खरीद लेता हूँ, लेकिन आज मैं लूटने वाला हूँ यार। ओके, सो यहाँ पे मैंने गेम तो खरीद लिया है, अभी मैं जल्दी से गेम के अंदर चलता हूँ। भाई जब बाहर इतना सब चल रहा है तो गेम के अंदर क्या क्या चल रहा होगा, जल्दी से प्ले पे क्लिक करता हूँ। ओके, मेरा एक दोस्त गेम खेल रहा है, चलो इसी की वर्ल्ड पे चलते हैं। चलो मेरी वर्ल्ड यहाँ पे लोड ले रही है। और ये क्या है, टिप, डर्ट इज द रेयरेस्ट आइटम ऑफ माइनक्राफ्ट है। भाई ये क्या है, डर्ट रेयरेस्ट आइटम कब से होने लगा? अरे भाई ये क्या चल रहा है माइनक्राफ्ट में। ओके, सो मेरी वर्ल्ड लोड ले चुकी है, जल्दी से गेम के अंदर चलता हूँ और देखता हूँ भाई गेम के अंदर क्या क्या चल रहा है। ओके, तो मैं अपनी वर्ल्ड में तो आ चुका हूँ, और वैसे यहाँ देख के तो मुझे सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है। ओके, तो यहाँ मुझे खैर कुछ डिफरेंस नहीं दिखा। वैसे मैं अपनी दोस्त की वर्ल्ड में आया हूँ, और मेरा दोस्त ही नहीं मिल रहा मुझे। अरे किधर गया, ओ ये रहा। अरे भाई तुम मेरी वर्ल्ड में क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं भाई, मैं बस तुम्हारी वर्ल्ड देखने आया था, तुम मुझे अपने वर्ल्ड का एक टूर करा दो, मैं भी तो देखूं तुम अपनी वर्ल्ड में कितने प्रोग्रेस कर चुके हो। अरे हाँ हाँ भाई बिल्कुल, तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। पता है इसे बनाने में मुझे पूरे 3 महीने लगे हैं। 3 महीने इस घर को बनाने में? क्यों भाई, इस घर में ऐसा क्या है? अरे देखो तो मैंने इन्हें किन ब्लॉक से बनाया है, पता है कितने रेयर ब्लॉक्स होते हैं? अरे भाई क्यों मजाक कर रहे हो यार, ये ग्रेनाइट और डायरोड ये कब से रेयर ब्लॉक्स होने लगे? अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें माइनक्राफ्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें अपना घर का इंटीरियर दिखाता हूँ, मेरे साथ आओ। अरे यार ये सब क्या चल रहा है, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये देखो, ये है मेरे घर का इंटीरियर, देखा? अरे इंटीरियर लाइक इसमें है क्या, इसका तो कुछ सामान भी नहीं है। और तुम्हारा बेड कहाँ है, तुम सोते किधर हो? अरे वो मैंने अपने घर का सामान रिपेयरिंग के लिए भेजा हुआ है पिलेजर आउटपोस्ट में, और जो तुम मेरे नीचे चटाई देख रहे हो ना, मैं तो इसी पे सोता हूँ। ये चटाई है कि स्नो है, तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या? अरे नहीं भाई मुझे ठंड नहीं लगती। अरे लेकिन मैं तो भूल ही गया, तुम मेरे घर पे मेहमान बन के आए और मैंने अभी तक तुम्हें कुछ खाने को भी नहीं दिया। रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए माइनक्राफ्ट का सबसे रेयरेस्ट फूड है, मैं तुम्हें अभी देता हूँ, ये लो। अरे भाई ये क्या दे रहे हो, रॉटन फ्लैश? भाई कुछ ढंग का दो ना खाने के लिए, रॉटन फ्लैश खा के क्या हंगर का इफेक्ट लगवाओगे मेरे? यार मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा रॉटन फ्लैश, ये लो वापस। अरे भाई तुम्हें क्या हो गया, सुबह सुबह माल फूंक के आए हो क्या? मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से इतना रेयरेस्ट फूड लाया था, तुम उससे मना कर रहे हो? ये लो वापस लो और चुपचाप खा लो। अरे यार मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, रॉटन फ्लैश कब से रेयरेस्ट फूड होने लगा भाई साहब। अरे भाई मैं तो तुम्हें अपना सीक्रेट बेस दिखाना भूल ही गया, देखो तुम मेरे पूरे घर में देखो, तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है क्या पूरे घर में मेरे? हाँ लग तो रहा है, ये पूरा घर स्टोन का बना हुआ है, और तुम्हारी इस जगह पे ये दो जो वुड लगी हुई है ये बहुत अजीब लग रही है मुझे। देखा, तुम्हें मेरे घर में कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये जो दो वुड है ना, देखो ये है मेरा सीक्रेट बेस। हाँ भाई देख लिया, कुछ ज्यादा ही सीक्रेट है तुम्हारा सीक्रेट बेस। ये देखो मैंने इसके अंदर माइनक्राफ्ट का सबसे रेयरेस्ट आर्मर रखा हुआ है। क्या गोल्ड आर्मर, कब से रेयरेस्ट आर्मर होने लगा भाई, क्या बात कर रहे हो यार? अरे भाई गोल्ड का ही तो आर्मर रखा है, नेदरराइट का थोड़ी ना रखा जो तुम ऐसे बोल रहे हो। चलो छोड़ो, देखो उसके अंदर एक चेस्ट भी रखी है, उसमें मेरा सारा रेयरेस्ट सामान रखा है, जाओ देखो जाके क्या रखा है। हाँ रुको मैं भी तो देखूं तुम्हारी रेयरेस्ट चेस्ट में क्या रेयरेस्ट सामान रखा है। एक सेकेंड, डर्ट, रॉटन फ्लैश और ये बर्चवुड है। बर्चवुड? अरे ये डर्ट और रॉटन फ्लैश तो समझ में आता है, लेकिन ये बर्चवुड तुमने क्यों रखी है चेस्ट में? अरे वो तो हर माइनक्राफ्ट प्लेयर की फेवरेट वुड होती है, इसीलिए रखी है, मुझे भी बहुत पसंद है, थोड़ी बहुत रेयर भी होती है, इसलिए मैंने इसमें रख ली। अरे अब बर्चवुड कब से फेवरेट वुड होने लगी भाई, कुछ भी चल रहा है यहाँ पे। अरे वो सब छोड़ो, तुम मेरे पेट से मिले क्या? जाओ देखो मेरे सीक्रेट बेस के अंदर मेरा पेट भी है, अभी दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो। हाँ रुको मैं भी तो देखूँ तुम्हारा पेट कहाँ पे है। एक सेकंड, अरे ये तो क्रीपर है, जल्दी से भागो भाई, क्रीपर है वहाँ पे, निकलो उधर से। अरे क्रीपर ही तो है, मुर्गी थोड़ी ना है जो उससे डर रहे हो, माइनक्राफ्ट का सबसे फ्रेंडली मॉब तो है, तुमने फालतू में उसे डरा दिया। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, क्रीपर और फ्रेंडली मॉब, यार यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। समझ में कैसे आएगा, तुम सुबह सुबह सस्ते से जो करके आते हो। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें अपना बहुत ही मस्त वाला नेदर पोर्टल दिखाता हूँ, भाई मैंने कल ही बनाया है उसे। हाँ चलो ठीक है, तुम्हारा नेदर पोर्टल भी देख लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या बनाया है तुमने। ओ वेट, एक सेकंड, क्या ये क्राइंग ऑब्सिडियन है?
भाई क्राइंग ऑब्सीडियन से कब से बनने लगा नेदर पोर्टल? अरे क्राइंग ऑब्सीडियन से नहीं तो क्या ऑब्सीडियन से बनाऊंगा, इसी से तो बनता है। तुम्हें क्या हो गया है भाई, तुम्हारा दिमाग विमाग तो नहीं खराब हो गया? भाई पहले तो नहीं खराब हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा है अब मेरा दिमाग जरूर खराब हो जाएगा। ये मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ या तो सब कुछ उल्टा हो रहा है, कहीं मैं सच में पैरेलल वर्ल्ड में तो नहीं आ गया? अगर मैं आ गया हूँ तो वेट, मुझे एक चीज चेक करनी है, उसके लिए मुझे इस वर्ल्ड से बाहर जाना होगा। ओके सो यहाँ पे मैं गूगल पे आ चुका हूँ, अभी मैं सर्च करने वाला हूँ ड्रीम। ड्रीम इज द न्यूबेस्ट प्लेयर ऑफ माइनक्राफ्ट, ही रिसेंटली मेक्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लूजिंग 1000 पीवीपी बैटल्स। भाई ये क्या चल रहा है, ड्रीम इस वर्ल्ड में सबसे न्यूबेस्ट प्लेयर है? वेट, अगर ड्रीम सबसे न्यूबेस्ट प्लेयर है तो आखिर सबसे प्रोवेस्ट प्लेयर कौन होगा इस वर्ल्ड का? मैं जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जल्दी से सर्च करते हैं। वेट, निक सेवन रिप, व्हाट?